Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello, friends. Welcome to my YouTube channel. You are learning English with B.M. Sharma. Students, we are reading lesson number four, Draught and part seven, last part of the lesson. This is lesson number four of the book Panorama of Class 12th Compulsory English. क्लास ट्वेल्थ कंपलसरी इंग्लिश बुक पार्ट सात सॉरी पार्ट चार पार्ट सेवन से हम लेंगे आज तो अब तक हमने देखा कि गफूर जो था उसी के पड़ोसियों के द्वारा प्रताड़ित किया गया था और उसने गुस्से में आकर के अपनी बच्ची से कह दिया कि जा कहीं से इंतजाम करके लाओ कि खाने के लिए कुछ मिले या पीने के लिए पानी मिले पानी भी नहीं है यहाँ तो बच्ची चली जाती है और काफी टाइम निकल जाता है उसके बाद देखते हैं जब बच्ची पानी लेकर के लौटती है तब हम शुरू करेंगे ही वॉज सडनली शेकन आउट ऑफ हिज लिस्ट ही वॉज सडनली शेकन आउट ऑफ हिज लिस्टलेसनेस बाय द श्रीक ऑफ अ गर्ल सडनली शेकन आउट तो वह अचानक से हिल गया यानी अचानक से बाहर निकला वो अपनी लिस्टलेसनेस का लिस्टलेसनेस का मतलब होता है निर्जीवता तंद्रा तो अपनी निर्जीवता से बाहर निकला हुआ है बाय द श्रीक ऑफ अ गर्ल श्रीक यानी चीखना एक बच्ची के चीखने की आवाज जो आई थी लड़की की उससे वह अपनी निर्जीवता से बाहर निकला पहले ख्यालों में डूबा हुआ था प्रोस्ट्रेट ऑन द ग्राउंड वह जमीन पर दंडवत पड़ी थी प्रोस्ट्रेट दंडवत का मतलब होता है जमीन पर वह लेटी पड़ी थी हो सकता है गिर गई हो जमीन पर पिक्चर विच सी हैड बीन कैरिंग और वह मटका जिसे वह लेकर के आ रही थी टम्बल ओवर वह लुढ़क गया था एंड महेश वॉज सकिंग ऑफ द वाटर और महेश उनका बैल पानी पी रहा था एज इट फ्लोड ऑन द अर्थ जैसे पृथ्वी पर पानी फैला जमीन पर तो महेश बैल पीने लग गया गफूर वाज कम्प्लीटली आउट ऑफ इज माइंड गफूर पूरी तरह से आउट ऑफ माइंड का मतलब है बेकाबू दिमाग हो गया गफूर का उसको गुस्सा आ गया गफूर को विदाउट वेटिंग अब देखो यहाँ पर गफूर भी प्यासा है बेटी भी प्यासी है थोड़ा सा पानी लाई और मटका गिर गया फूट गया उसके सिर से गिर करके पानी फैल गया उस पानी गफूर ने जैसे ही पीना चालू किया जमीन में से चूसना चालू किया सॉरी बैल ने तो गफूर जो था उसने अपना आपा खो दिया विदाउट वेटिंग अनदर मोमेंट एक क्षण भी इंतजार किए बिना इट सीज्ड हिज प्लो हेड सीजन पकड़ना तो गफूर ने पकड़ लिया उठा लिया क्या उठा लिया प्लो हेड अपने प्लो यानी कहते हैं हलको हल्का जो हेड है हल्का ऊपरी हिस्सा या हल्का जो हत्ता होता है वो गफूर ने उठा लिया ही हैड यस्टरडे फॉर रिपेयर कल जो उसने रिपेयर के लिए मरम्मत के लिए यहां पर छोड़ा था हल्का हत्ता वो उठा लिया गफूर ने एंड विथ बोथ हैंड्स और अपने दोनों हाथों से स्ट्रक इट वायलेंटली इसे जोर से दे मारा ऑन द बेंट हेड ऑफ महेश बैल महेश के झुके हुए सिर पर बेंट हेड पर हल्का हत्ता दे मारा गफूर इतना तनाव में आ गया कि उसने हल्का एक हत्ता अपने बैल महेश के सिर पर दे मारा वंस ओनली महेश अटेम्प्टेड टू रेज इज केवल एक बार महेश ने कोशिश की थी उनके बैल ने अपने सिर को ऊपर उठाने की बट इमीडिएटली लेकिन जल्दी ही starving, उसकी भूखी लीन बॉडी पतली दुबली शरीर जो था स्टैगरिंग टू द ग्राउंड वो लड़खड़ा करके जमीन पर गिर गया उसका शरीर भूखा भी था और पतला दुबला भी हो रहा था वो लड़खड़ा कर जमीन पर गिर गया बैल का शरीर अ फ्यू ऑफ ब्लड रोल्ड डाउन फ्रॉम हिज खून की कुछ बूंदें उसके कानों से बह बहने हिज होल बॉडी सुख बंस और ट्रैस उसका पूरा शरीर एक दो बार हिला एंड देन स्ट्रेचिंग द फोर एंड हिंड लेग्स फोर यानी आगे की और हिंड पीछे की लेग्स टांगे जो थी बैल की आगे पीछे की टांगे उनको आ, फैलाते हुए स्ट्रेचिंग करते हुए एज रीच, जितना ज्यादा वह चौड़ सकती थी उनको उतना ही चौड़ा करके टांगों को महेश महेश मर करके गिर गया उनका बैल महेश मर करके एक ही बार में गिर गया वॉट हैव यू डन फादर बच्ची बोली अमीना पिताजी आपने ये क्या किया है और महेश हमारा महेश तो मर गया अमीना बस आउट वीपिंग, अमीना फूट फूट कर रोने लगी बेटी अमीना फूट फूट कर रो रही थी कि हमारा महेश तो तो मर गया। गफूर गफूर डिड नॉट मूव आंसर हर, गफूर ना तो हिला और ना ही बच्ची को जवाब दिया गफूर ने ही रिमेंड स्टियरिंग विदाउट ब्लिंकिंग एट अ पेयर ऑफ मोशन लेस बी डी ब्लैक आयमेंट स्टियरिंग वह घूर कर देखता रह गया वह एक तक देखता रह गया विदाउट ब्लिंकिंग बिना पलक झपझपाए बी की यानी निर्जीव गति रहित और बेडी का मतलब है यहाँ पर मोतियों जैसी जैसे माला के मोती होते हैं ऐसे मणे के मोतियों जैसी ब्लैक आइज काली काली जो आंखें थीं बैल की उनको गफूर घूर कर देखता रहा एक टक लगा कर देख रहा है बिफोर टू आवर्स आउट इसका मतलब दो घंटे भी नहीं हुए उससे पहले ही द टेनर्स लिविंग एट द एंड ऑफ द विलेज जो गांव के एक छोर पर एक अंत पर रहते थे एक किनारे पर टेनर्स कहते हैं जो जानवरों की चमड़ी उधेड़ते हैं और उस चमड़ी का व्यापार करते हैं जानवरों की चमड़ी का खाल का वो टेनर्स हैं वो आ गए क्रोलिंग आवाज करते हुए इन अंदर तो टेनर्स वहां पर अंदर आ गए क्रोलिंग का मतलब है इकट्ठा होने से तो अंदर आकर के वो इकट्ठा हो गए थे एंड कैरिड ऑफ महेश और महेश को ले गए थे ऑन अ बेम्बू पोल एक बांस के पोल या खंबे पर महेश को ले गए थे शरिंग एट द साइट ऑफ द शाइनिंग नाइव शब यहां पर थरथरा जाते हैं हम किसी भयानक दृश्य को ऐसे थरथराते थराते हुए एट द साइट ऑफ द शाइनिंग नाइव शाइनिंग यानी चमकते हुए नाइव चाकुओं को देखकर उनकी साइट पर, उनकी पर hands, उनके दृश्य पर इन देर हैंड्स उनके हाथों में तो टेनर्स के हाथों में चमचमाते हुए चाकुओं के दृश्य को देख करके गफूर जो था शरिंग यानी वह थरथरा गया था गफूर क्लोज आए थर थरथरा करके अपनी आंखें उसने बंद कर ली थी बट डिड नॉट स्पीक लेकिन बोला नहीं अब वो द नेबर्स इनफॉर्मड हिम अब वहाँ से टेनर्स ले जाते हैं मृत बैल को उसके बाद नेबर्स या पड़ोसी जो थे उन्होंने उसे इन्फॉर्म किया सूचित किया द दैन लॉर्ड सेंड फॉर की लैंड लॉर्ड का यहाँ मतलब है भूमि का जो मालिक था उनकी का सेंड फॉर तारक रत्न कि उसने भाई तारक रत्न के लिए जो जमींदार है उसने तारक रत्न पंडित जी थे उनके लिए आ, बुलावा भेजा था टू आस्क फॉर एडवाइस सलाह लेने के लिए हाउ वुड गफूर पे गफूर किस प्रकार से कीमत अदा करेगा फॉर द पेनेंस इस प्रायश्चित के लिए विच द किलिंग ऑफ अ सेक्रेड एनिमल डिमांडेड एक पवित्र जानवर को मार करके जो पेनेंस पश्चाताप करना है उसके लिए कितना पे करना पड़ेगा कितने पैसे अदायगी करनी पड़ेगी गफूर को यानी मृत जानवर को मार करके जो मांग की जाती है उस हिसाब से कितना पैसा वगैरह देना पड़ेगा गफूर को इसकी बातचीत करने के लिए तारक रत्न को के लिए बुलावा भेजा गया था जमींदार के द्वारा लेन लोड के द्वारा गफूर मेड नो रिप्लाई टू दीज रिमार्क्स इन टिप्पणियों को गफूर ने कोई जवाब नहीं दिया बट रिमेंड स्क्वेटिंग लेकिन वो ऐसे ही बैठा रहा विद चिन, रेस्टिंग नीज, अपनी ठोड़ी को अपने घुटनों पर रख करके वह यूं ही बैठा रहा अमीना डियर और बैठे बैठे रात हो जाती है आधी रात को गफूर एक योजना बनाता है और अपनी बेटी से कहता है अमीना डियर प्रिय बेटी अमीना कम आओ लेट्स गो चलो चलते हैं सेट गफूर गफूर ने कहा राव सिंह हिज डॉटर अपनी बेटी को उठाते हुए एट द डेड ऑफ नाइट बिल्कुल आधी रात को डेड ऑफ नाइट का मतलब बिल्कुल आधी रात को अपनी बेटी को उठाते हुए गफूर ने कहा बेटी अमीना प्रिय बेटी उठो चलो चलते हैं she said "Fallen asleep in the yard वह आहते में सो रही थी यार्ड यानी आंगन वगैरह में वह बाहर सो रही थी where father और उसने पूछा पिताजी कहाँ? she asked rubbing his eyes उसने अपनी आंखों को रगड़ते हुए पूछा to work at the jute mill at fulbere said the father पिताजी ने कहा फुल बेरे में जूट का जो मिल है उस मिल में काम करने के लिए चलेंगे अब हम द गर्क डेट हेम इनक्रेड्यूलसली लड़की ने उनकी उसकी तरफ इनक्रेड्युलसली देखा यानी विश्वास न करते हुए इस प्रकार से देखा थ्रू ऑल इज मिजरी अपने पूरे दुख से ही है डलाइंट टू गो टू अपने पूरे दुख के समय में मिजरी यानी दुख और कष्ट के समय में ही है डिक्लाइंट उसने मना कर दिया था टू तो गो टू तो फुलवेरे फुलवेरे जाने से मना कर दिया बहुत कष्ट में और दुख में था तब उसने फुलवेरे मिल में काम करने जाने से मना कर दिया था लेकिन आज वो कह रहा है चलो बेटा हम चलते हैं यहाँ से नो रिलीजन कोई भी धर्म नहीं नो no रेस्पेक्ट कोई सम्मान नहीं नो प्राइवेसी फॉर वहा महिलाओं के लिए कोई भी एकंगी वातावरण नहीं प्राइवेसी नहीं है बच्ची अक्सर अपने पिता को कहते हुए सुनती थी कि बेटा फुलबेरे में तो ना तो कोई धर्म के लिए आदर है ना कोई सम्मान है और ना ही महिलाओं के लिए कोई प्राइवेसी है तो वहां हम नहीं जाएंगे इस प्रकार कहकर के गफूर मना कर दिया करता था अपनी बेटी के लिए कि थोड़ा सा महिलाओं के लिए भी गोपनीयता नहीं था, अलग रहने का जगह या प्राइवेसी होनी चाहिए जहाँ पर हम रह रहे हैं तब मना कर दिया लेकिन अभी कह रहे हैं इसलिए थोड़ा सा विश्वास नहीं हुआ इनक्रेडिबली देखा बेटी ने हरी अप माई चाइल्ड मेरी बेटी जल्दी करो वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो हमें बहुत लंबे रास्ते में जाना है सेड गफूर गफूर ने कहा अमीना वाज़ गोइंग टू कलेक्ट द ड्रिंक बाउल अमीना वहाँ पीने का बाउल यानी पानी पीने का कटोरा वगैरह है बर्तन है उनको इकट्ठा करने के लिए जाने वाली थी एंड हर फादर ब्रेस प्लेट और अपने पिता की ब्रेस यानी पीतल की प्लेट को लेने के लिए जाने वाली थी अमीना तो पिता बोले लीव अलोन डार्लिंग प्रिय बेटी उनको बस यही छोड़ दो दे विल पे फॉर द पेनेंस फॉर महेश said गफूर गफूर ने कहा कि महेश के लिए जो पश्चाताप है महेश मेरे हाथों से मर गया है उसके लिए पे कर देंगी ये वस्तुएं अक्सर मैं एक दो रुपया ले लेता हूँ उस पीतल की प्लेट की वजह से तो उसको यही छोड़ दो इन द डेड ऑफ नाइट आधी रात को गफूर सेट आउट गफूर रवाना हो गया था वहाँ से होल्डिंग इज डॉटर बाय द हैंड अपनी बेटी के हाथ को पकड़ करके और चल दिया था ही हैड नो बडी टू कॉलेज ओन इन दिलेज गाँव में उसका अपना कहने वाला कोई भी नहीं था ही हैड नथिंग टू से टू एनी बड़ी और किसी से कुछ भी कहने के लिए उसके पास कुछ नहीं था क्रॉसिंग दार्ड और उस आंगन को पार करके वैन ही रीच द एकेसिया जब वह बबूल के पेड़ के पास पहुँचा ही स्टॉप स्टॉक स्टिल वह एकदम से स्थिर भाव से रुक गया वहाँ जम गया एंड बस्ट आउट लाउडली और जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा अल्ला ही सैड उसने कहाज फेस टू वार्ड द ब्लैक स्टार स्पेंगल स्काई ब्लैक स्टार स्पेंगल काले सितारों से सितारों से आच्छादित काले आकाश की तरफ देख करके उसने कहा पनिस मी एज मच एज यू लाइक मुझे जितना आप चाहो उतना दंड दे देना महेश डाइड विद ऑन लिप्स महेश अपने होठों पर प्यास लेकर के ही मर गया नो बडी लेफ्ट द टाइनिएस्ट बेट ऑफ लैंड किसी ने एक थोड़ा सा भी जमीन का टुकड़ा नहीं छोड़ा था फॉर हिम उस महेश के लिए टू फीड ऑन जिसमें वह खा सके जिसमें से चर सके प्रे प्रार्थना है नेवर दोस देयर गिल्ट उन लोगों को कभी क्षमा मत करना जिनका अपराध रहा है इस काम में वो नेवर लेट एम ईट द ग्रास जिन्होंने कभी घास नहीं खाने दी और ड्रिंक द वाटर यू हैव गिवन और जो पानी और घास आपने दिया है मह मनुष्यों के लिए वो इन लोगों ने नहीं खाने दिया उनको क्षमा मत करना तो गफिर गफूर काफ़ी दुखी हो जाता है और अपने ईश्वर से प्रार्थना करता है गफूर कि हे आ, इन लोगों को क्षमा मत करना जिन्होंने मेरे साथ इतना अत्याचार किया है मेरे बैल के लिए थोड़ी सी भी जमीन नहीं छोड़ी जिसमें ईश्वर की देन है घास है जल है ये मेरा बैल थोड़ा सा खा सकता प्यासा ही मेरा बैल मर जाता है इस प्रकार से यहाँ मनुष्यता जो है वो मरती हुई दिखाई दे रही थी तो यहाँ एक आदमी की दूसरे आदमी के प्रति निर्दयता को उजागर किया गया है और समाज का ऐसा ताना बाना रहा जिसमें निर्दयता अक्सर दिखाई देती थी और एक व्यक्ति की आवाज़ को सुनने वाला भी दूसरा नहीं होता था तो इस प्रकार से ये कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हम मनुष्यों को और मानवता की भावनाएं एक दूसरे की तरफ रखते हुए सभी प्रेम से रहें जीवों के प्रति भी दया और करुणा का भाव रखें जिससे कि हम इस पृथ्वी को स्वर्ग जैसा बना सकें इस पृथ्वी पर जितने भी व्यक्ति हैं पशु हैं पेड़ पौधे हैं वस्तुएं हैं सब ईश्वर की कृति हैं तो ईश्वर का वरदान हमें मानना चाहिए और अपना ही अपना आधिपत्य वस्तुओं पर ना मान करके हमें बस एक दूसरे को सहारा देते हुए ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए और इस तरह अच्छी भावनाओं के साथ हम पृथ्वी को बस स्वर्ग बना सकते हैं तो साथ ही आज का लेसन मैं सोचता हूँ आपको अच्छा लगा होगा आप मेरे वीडियोस पर कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है कमेंट करके बता सकते हैं आ, आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आते हैं तो उनको लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें मिलते हैं लेशन नंबर फाइव के साथ सी यू टिल देन बाय बाय